ओके सो टू स्टार्ट विथ, एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी वन किया था, तो प्रॉपर्टी वन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करने से काफी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। रिवीजन में यही है, स्पेशली प्रॉपर्टी वन जो हम लोग ने अभी तक किया है, प्रॉपर्टी वन में हम लोग ने ये किया है, जैसे साइन साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स होता है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, टैन टैन इनवर्स एक्स। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो तो हमेशा वैल्यू एक्स है, डोमेन और रेंज देख लेना, ठीक है। ऐसे करके छह प्रॉपर्टी है, छह पॉइंट्स है, और सेवेंथ पॉइंट से वो वाले डायग्राम स्टार्ट हो जाते हैं जब इनवर्स फंक्शन बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके ऐसे ग्राफ आ जाते हैं, राइट, जब इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो इसका ये बचपन में जो हम लोग डायग्राम बनाते थे टाइप का ऐसा बन जाता, राइट। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, उसी पे ये क्वेश्चन है। यस, आई हैव डन दिस इन बेले पार्ले एंड अंधेरी, सो दोज हु हैव अटेंडेड द लेक्चर दे कैन एंजॉय। All right, others please you have to be here itself, क्योंकि आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहां से, और जिसका मिस आउट हुआ होगा अंधेरी या विले पार्ले में तो वो बैठ सकते हैं, ओके तो यहाँ साइन इनवर्स साइन नाइन है, तो हम लोग का जो ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अभी ये 9 रेडियन है, 9 रेडियन का मतलब कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? यस, वीपी स्टूडेंट्स कैन लीव, दोज हु हैव नॉट अटेंडेड दे कैन सिट ओनली, एंड इफ यू विश यू कैन ऑल्सो सिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में, पर ये रिपीट हो रहा है, बस मैं आपकी क्लियर क्लियर कर देता हूँ, वो जब ऑफलाइन में हुआ था वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है 513 डिग्रीज, राइट, 513 डिग्रीज, 513 डिग्री मतलब ये जो है माइनस पाई बाय टू है, ये पाई बाय टू, ये पाई, टू पाई, थ्री पाई, और ये जो होगा 4 पाई। तो 3 पाई होता है, 3 पाई की वैल्यू 540 है ना, 3 × 180 डिग्री 540। तो जो 9 रेडियन होगा वो अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आएगा, राइट, 9 रेडियन इस वाली लाइन में, ये समझ में आ रहा है। और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर याद नहीं है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो। ये होता है y इज इक्वल टू x, ये होता है y इज इक्वल टू पाई माइनस x, तो इसी जैसा यहां पे होगा, ये होगा 3π-x। इज दिस क्लियर, ये 3π-x होगा, तो 9 रेडियन इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू होगी 3π-9, राइट। एट पाई कहां से बोला, 3π-9, ओके। फिर 15 रेडियन, 15 रेडियन क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, तब तक जब तक तुम लोग वैल्यू निकालते हो तब तक मैं ग्राफ बना देता हूँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का,
कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये हो गया पाए, टू पाए, थ्री पाए, फोर पाए, राइट। 15 रेडियन 853 डिग्रीज। ओके, 853 डिग्रीज क्या होगा, कहां तक जाएगा ये टू पाए, तुम लोग पे विश्वास कर रहा हूं, ठीक है। 4 पाई कितना होगा, ये 4 पाई और ये 5 पाई, 4 पाई की वैल्यू 720 और 5 पाई की 900, राइट। तो यहां कहीं होगा ये, और ये क्या हो जाएगा y is equals to x minus 4 pi। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसका इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास फाइनली, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास फाइनली 3 pi minus 9, बीच में माइनस माइनस, यहां से हमारा आ गया x माइनस 4 पाई, मतलब x क्या है 15, 15 माइनस 4 पाई। तो हम लोग आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 3 पाई माइनस 9 माइनस 15 प्लस 4 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई माइनस 24, राइट। और ये हमें चाहिए a, a पाई माइनस b, तो a की वैल्यू 7 है ना, a पाई माइनस b, ये a पाई माइनस b, तो a प्लस बी हो गया 7 प्लस 24, राइट, 31 आंसर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ये इंटीजर टाइप में आ सकता है, बराबर बोल, सही बोल, इंटीजर टाइप में आ सकता है। ओके, ठीक है। रेंज डोमेन, ओके श्री, इस टाइप के बहुत सारे किए थे हम लोगों ने, ये एग्जैक्ट ये वाला नहीं किया होगा, लेकिन यही है और कुछ नहीं, अब भी प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं हम लोग। All right. एक बार और एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन, ये ऐसा, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है, यहाँ पे 9 रेडियन चाहिए, 9 रेडियन है, 9 रेडियन है, तो 9 रेडियन किसके बाद आएगा ये देखना है तुम्हें, कहाँ पे लाई करेगा 9 रेडियन, तो ये अराउंड इस लाइन पे लाई करेगा, है ना, 9 रेडियन 3 पाई 540 होता है, 9 रेडियन जैसे उसके क्लोज में, तो इसका जो आउटपुट होगा ये देखो 3 पाई माइनस x, तो 3 पाई माइनस 9 लिख दिया मैंने, राइट, a पाई माइनस b का क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले अनुज, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a पाई माइनस b,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, राइट। इसमें से हम लोग ने यहां से वैल्यू निकाल लिया क्योंकि यहां कहीं आएगा 15 रेडियन, यहां कहीं आएगा 15 रेडियन, इसलिए इस वाली लाइन पे आएगा। यहां से आ गया 15 माइनस 4 पाए, इसको ओपन करोगे इसको सॉल्व करोगे 7 पाए माइनस 24, हमें ए पाए माइनस बी देखना है, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 24, राइट। ओके भावेश, इज दिस क्लियर? वी आर जस्ट फॉलोइंग द ग्राफ, ओके, वी आर जस्ट फॉलोइंग द ग्राफ। ओके ऑल राइट, वी विल प्रोसीड। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 2, रेंज डोमेन अपने पास रखना अगर तुम्हें याद नहीं हो तो, ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए लेकिन अगर मान लो नहीं है तो प्रॉपर्टी 2 में हम लोग देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा वो साइन इनवर्स 1/x होगा, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते 1/sin inverse x, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, या फिर पहले लिख देता हूं sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। ऑलराइट, अभी इसका मेरे को डोमेन बताओ x का। ये x जो है ये सिर्फ माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी वैल्यू ले सकता है, राइट, और यहां पे भी वही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वन अपॉन जब ये वैल्यू जाएगा तब सारे एक्सेप्टेबल वैल्यूज हो जाएंगे। ऑलराइट, यहां पे ओके इसका माइनस वन से वन आर नहीं आएगा, आर कैसे आएगा, साइन इनवर्स का माइनस वन से वन होता है ना, साइन इनवर्स का माइनस वन से वन, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, इसलिए माइनस जीरो। इसका तो सिमिलर इस पैटर्न का हो जाएगा क्योंकि सेक में पुट करना है, सेक का जो तुम डोमेन देख लो एक बार, चेक कर लो, माइनस इंफिनिटी सेक इनवर्स का माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, और ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन माइनस जीरो, राइट। ठीक है, फिफ्थ सिक्स अभी मैंने नहीं लिखा है जो कि टैन और कॉट का होगा, क्यों नहीं लिखा तुम्हें समझेगा, पहले ये लिख लो, उसमें प्रूफ करेंगे हम लोग इसको, हम लोग पहले वाले को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में इधर ही करता हूं प्रूफ, जैसे फर्स्ट वाले को अगर प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं, मैं लिख लेता हूं लेट
कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब मैं दोनों साइड कोसेक थीटा लेता हूं, कोसेक टेकिंग बोथ साइड कोसेक, तो यहां पे कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो गया, दोनों साइड मैंने कोसेक ले लिया, ठीक है। अभी ये फर्स्ट सिक्स प्रॉपर्टीज में आता है, प्रॉपर्टी वन का ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट होगा, ठीक है, फर्स्ट सिक्स वाले में आता है क्योंकि कॉस बाहर है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर होता है तो डायरेक्टली तो हम एक्स लिख सकते हो, राइट, एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, इज दिस क्लियर। अभी इसको लिख लो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा वन बाय एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखना इधर ध्यान से कि ये थीटा का रेंज क्या होगा, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। देखो रेंज हमेशा दो ही चीजों का होता है, मतलब या तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू या तो जीरो से पाए, तो ये साइन वाला है ना, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, एक बार चेक भी कर सकते हो, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट बीच की वैल्यू जीरो, एक्सेप्ट जीरो, राइट, हाँ एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूं, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, ऑलराइट। तो अभी मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो मैं दोनों साइड साइन इनवर्स लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा तो सेवेंथ प्रॉपर्टी, जब इसमें ग्राफ बनता है ऐसा, ऐसा ग्राफ बनता है इसका, है ना, अब भी बनाया था हम लोगों ने तो, लेकिन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में तो y इज इक्वल टू x ही दे रहा है, राइट, ये तो y इज इक्वल टू x ही दे रहा है ना, और ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, बस जीरो हटा दिया, बल्कि डोमेन थोड़ा कम ही हो गया है ना, डोमेन थोड़ा कम हो गया, जीरो बस हटा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ये y इज इक्वल टू x देता है, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो तुम साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि y इज इक्वल टू x है, इसलिए जैसे यहाँ पे अगर वन होता टू होता तो वन लिख देते थे हम लोग, है ना, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था हम लोग ने, साइन इनवर्स साइन वन साइन इनवर्स साइन टू साइन इनवर्स साइन थ्री, तो वैसे करके, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा डायरेक्टली, और थीटा ओरिजिनली हम लोग ने क्या लिया था ये, तो इसलिए ये हो गया साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स थीटा, राइट, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, ऑलराइट, इज दिस क्लियर। प्रूफ याद क्यों रखोगे इसको, प्रूफ तो प्रूफ करने के लिए होता है ना, सॉल्व करो उसको, मतलब अभी तुम लोगों ये सारे तुम्हें तुम प्रूफ करो, ये बैठ के अभी नहीं, मतलब आफ्टर द क्लास ये सारे प्रूफ करना चाहिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ओके, प्रूफ पेपर में नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में काम आएगा ना। ओके हाँ, ये ऐसे लिखना तो चलता है, मतलब वन बाय एक्स को साइन थीटा, इसको तुम यहाँ साइन को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा, चलता तो है ये, पर वो चलता है, मतलब वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है, वो मतलब हम लोग लिख देते बात अलग है, ऐसे कई बार हम लोग भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा इसमें, लेकिन वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, मतलब जैसे सिमिलरली, जैसे मैं अगर इधर लिखूं टू वाई अपॉन
टू एक्स प्लस फोर जेड ऐसे लिखूं तो फिर कैसे, हम लोग कभी कभी ऐसे कैंसिल कर देते ना, राइट। इस ये एक्चुअली लॉजिकली करेक्ट नहीं है, मतलब क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां से टू कॉमन लेके फिर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ कैलकुलेशन में हम लोग कर देते हैं, राइट। तो वो वैसे वैसे ही अगर तुम्हें साइन इनवर्स इस साइन को इस साइड लेके जाना है, ले जा सकते हो, लेकिन वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तुम्हें समझेगा जब मैं टैन का करूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। टैन का जब करूंगा तब तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों मैं ये सब बता रहा था। ओके What is the use of this? What use you want in this? Okay, anyways, आगे बढ़ते हम लोग। अगर तुम और किसी का प्रूफ करते, जैसे थ्री इसका प्रूफ करते, थर्ड वाले का, ठीक है, प्रूफ ऑफ थर्ड, उसमें था sec, राइट। तो वैसे सेम, लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू sec थीटा, या फिर टू बी मोर प्रेसाइज दोनों साइड में ले लूंगा sec इज इक्वल टू sec थीटा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा sec थीटा। अभी मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, दोनों को रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू cos थीटा, और दोनों साइड में कॉस इनवर्स ले लूंगा, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, राइट। ओके, अब यहां पे चेक करना है थीटा क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि थीटा थीटा यहां पे क्या होगा, 0 से पाए एक्सेप्ट पाए बाय 2, ऑलराइट। ओके, तो ये फिर से कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ, cos इनवर्स cos थीटा का ग्राफ ऐसा ऐसा होता है। तो ये जीरो है, ये पाई है, तो इसमें तो अगेन y इज इक्वल टू x आ गया, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cos इनवर्स 1 बाय x हो गया थीटा, और cos इनवर्स 1 बाय x हो जाएगा sec इनवर्स थीटा, क्योंकि ओरिजिनली थीटा हम लोग ने sec इनवर्स लिया है। ओके, बाकी दोनों तुम लोग ट्राई करना खुद प्रूफ करने का। इन डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज आएगा, इन रिसर्च लाइफ, इन एकेडमिक लाइफ यूज आता है, डे टू डे एकेडमिक लाइफ में जब तुम कोई रिसर्च करोगे उसमें काम आएगा। तुम थोड़ी ना वहां जा रहे हो स्टेशनरी में, बोले चार पेन खरीदो तो बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, है ना, ये थोड़ी ना पूछेंगे, राइट। जब तुम कुछ रिसर्च करोगे तब कई बार काम आ सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आना जाओ आईआईटी तब तुम्हें पता चलेगा कैसे काम आता है ये सब चीजें। ओके, इज दिस क्लियर, कैन वी प्रोसीड, क्योंकि अब मैं टैन का करूंगा। ये दोनों तुम लोग खुद ट्राई करना, सेकेंड और फोर्थ खुद ट्राई करूं सॉल्व करने का। मैं टैन का करता हूं, ओके, अभी टैन का देखना ध्यान से, मैं आगे जा रहा हूं। फिफ्थ, लेट कॉट इनवर्स एक्स मैं ले लेता हूं, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, लेट cot cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, अगेन सेम स्टेप, cot ले लिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cot थीटा, और x हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 बाय x इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों साइड tan इनवर्स ले लेते हैं, ऑलराइट,
टैन इनवर्स ले लेते हैं, अब देखो यहां पे टैन इनवर्स टैन थीटा क्या होगा, ठीक है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा एक बार चेक कर लो, थीटा ये कॉट इनवर्स का रेंज जीरो से पाए, ठीक है, जीरो से पाए है, ऑलराइट, जीरो से पाए राउंड ब्रैकेट, पर टैन इनवर्स टैन थीटा का ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है, ये भी चेक कर ही लो, तुम लोगों ने ग्राफ बनाया होगा तो ये इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, तो ये है ये माइनस पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, ये पाई और ये थ्री पाई बाय टू। अभी ये थीटा जो है वो जीरो से पाई है, थीटा जो यहाँ का थीटा है जीरो से पाई, तो यहाँ पे देख रहे हो ये पार्ट जीरो से पाई, जीरो से पाई मतलब यहां से लेके यहां तक जीरो से पाई, इसमें तो ग्राफ एक दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये और ये, तो इसके दो आंसर होंगे, राइट, y इज इक्वल टू x और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस पाई, तो इसके दो आंसर होंगे, यू आर गेटिंग, इसके दो आंसर होंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसके दो आंसर ऐसे होंगे, एक तो y इज इक्वल टू x मतलब जब x, x मतलब थीटा, थीटा जब थीटा कहां से कहां तक है, जीरो से पाई बाय टू तक, ठीक है, जीरो से पाई बाय टू तक है, और थीटा माइनस पाई, जब थीटा पाई बाय टू से पाई, राइट, ये तुम्हारा अभी टैन इनवर्स वन बाय एक्स हो गया, ठीक है, इज दिस क्लियर, अभी अगर मैं इसको टैन, पाई बाय फोर कहां पे, पाई बाय फोर कहीं नहीं है, ये पाई बाय टू है, एक सेकंड थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, अंदर ये जो पॉइंट है ये पाई बाय टू, ओके, सो टैन इनवर्स वन बाय एक्स हो जाएगा, थीटा लिया कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, और कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, सॉरी पाई बाय टू से पाई, यहाँ पे पाई बाय टू से पाई है, पाई बाय टू से पाई। अभी तुम्हें ये चेक करना है कि कॉट इनवर्स एक्स जीरो से पाई बाय टू है तो एक्स क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स अगर जीरो से पाई बाय टू है तो एक्स क्या होगा, एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं कॉट जीरो से पाई बाय टू, तो इसके लिए थोड़ा ग्राफ, अगर कॉट का भी आइडिया हो ग्राफ का, देखो मैं हर चीज ग्राफ से रिलेट करता हूं क्योंकि ग्राफ इज द ओनली वे फॉरवर्ड, कैलकुलस में जितना तुम्हें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगा उतना अच्छा तुम्हें, उतने अच्छे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व होंगे तुमसे, ओके, इसलिए मैं बार 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 ग्राफ बताता हूँ ताकि तुम भी उस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी ग्राफ के लिए बढ़े, ओके, तो कॉट जीरो से पाई, कॉट का ग्राफ ऐसा होता है, अगर याद हो तुम लोगों को, कॉट का ग्राफ ऐसा होता है, राइट, ऐसा फिर ऐसा ऐसा जाता जाता है, तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये पाई बाय टू है, तो देखो जीरो से पाई बाय टू में, जीरो से पाई बाय टू में ग्राफ ऊपर है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट, ग्राफ ऊपर है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, और पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई में नीचे मतलब नेगेटिव, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा इसमें कि टैन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, जीरो से पाई बाय टू में पॉजिटिव एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई जब x नेगेटिव, ऑलराइट, ये तुम्हारा आउटपुट है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम्हारा कॉट इनवर्स x में ही काम चल जाएगा, इस पे ही चल जाएगा काम, ठीक है, लेकिन ये जिसको याद रहेगा वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा 90% percentile 99% IITJEE, राइट, ओके।
हाँ 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल में तो ये सब होना ही चाहिए ना, वो ऑब्वियस बात। ओके तो इसके दो है, जब x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x, और x जब नेगेटिव है तो cot इनवर्स x माइनस पाई। इज दिस क्लियर? Anyone have any doubt? I can address that. Shreyas, मतलब तुम्हें exactly क्या नहीं समझ में आया? यहां तक तो सब समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग ने tan inverse tan theta लिया, theta जो है zero से pi है, तो tan inverse tan theta का graph ऐसा होता है। तो अगर तुम zero से pi देखोगे, इससे पहले क्या हो रहे थे, ये थीटा हो रहा था जीरो से पाए, तो जीरो से पाए सिर्फ इधर ही आ रहा था, ब्रेक नहीं हो रहा था, राइट? ब्रेक नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे थीटा आ रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था, जीरो यहाँ पे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू था, तो ये ही वाली लाइन आ रही थी, इसमें भी ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन टैन के केस में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। इसलिए दो डिफरेंट केस हो गए, एक का केस हम लोग ने थीटा लिखा, एक का केस थीटा माइनस पाई लिखा, राइट? अभी थीटा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स पुट कर दिया, तो बस मैं चेक कर रहा हूं कि कॉट इनवर्स एक्स जीरो से पाई बाय टू में एक्स की क्या वैल्यू होगी। मतलब जैसे एक्स को लिख दिया कॉट जीरो से पाई बाय टू, ठीक है, तो जीरो से पाई बाय टू में एक्स, हम ये जो आउटपुट जा रहा है ये पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव ऊपर, और पाई बाय टू से पाई नीचे, तो इसलिए एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया एक्स पॉजिटिव, यहां पर लिख दिया एक्स नेगेटिव। ओके, all right, yeah, graph is discontinuous, right? Is this clear? Done. ओके, तो यहां पे कंप्लीट कर देते हैं, ये हो जाएगा cot इनवर्स, ये एक्चुअली tan इनवर्स 1 by x इस साइड लिखा, tan इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू cot इनवर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड cot इनवर्स x माइनस पाई When x is negative, वैसे ही सेम cot inverse x का भी हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये प्रूफ करके देखना, वैसे ही सेम जैसे प्रूफ करोगे उतना अच्छा कंसेप्ट बनेगा। tan inverse x और tan inverse x plus pi, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x नेगेटिव होगा। All right? ओके, आई गिव यू टाइम टू राइट, पहले ये कंप्लीट कर लो। अच्छा, ये 6 तक कंप्लीट कर लो, फिर अगर तुम लोग टैन का लिख रहे थे वो लिख लो। दिस इज डन। हाँ, ये यहां से स्टार्ट किया था, ये पहला है, उसके बाद ये किया, फिर ये किया। ओके अभिजीत, ठीक है, लिख लो, जिसको नहीं है वो लिख लो, मैं एक मिनट दे रहा हूं, या अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, क्योंकि टाइम बचा नहीं उतना लेक्चर में, राइट?
पाई बाय टू, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। पाई बाय टू की स्लोप की वैल्यू, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। यस, इज दिस डन? ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोग को टाइम लग रहा है तो। ये वापस वीडियो देख लेना, और क्या, तुम लोग को प्रिविलेज्ड है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखते प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टू हो गई। प्रॉपर्टी टू ऐसे तुम्हें याद रखना है तो क्या है, बस इनवर्स वाला है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स वन बाय एक्स होगा। जैसे कॉस कोसेक थीटा होता वन अपॉन साइन थीटा, पर इसमें वैसा नहीं होता, कोसेक इनवर्स एक्स होता, साइन इनवर्स वन बाय एक्स, वैसा है प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी थ्री जो है ये बिल्कुल सिंपल, प्रॉपर्टी थ्री बिल्कुल सिंपल है। ये नेगेटिव साइन वाले, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स एंड sec inverse minus x is equals to pi minus sec inverse x, all right? इसको फिर से प्रूफ करते हैं। इसमें तुम्हें दो चीजें दिख रही होगी, एक एक डायरेक्टली माइनस लिख दे रहा हूं मैं, एक पाई माइनस लिख रहा हूं, है ना। ये अगर तुम ये देखोगे, ये वाले इसमें डायरेक्टली माइनस है ना, और ये वाले इसमें पाई माइनस, राइट। प्रूफ करते इसको, समझ में आएगा। दो प्रूफ करके दिखा देता हूं, जैसे पहला फर्स्ट वाला प्रूफ करता हूं। प्रूफ हाँ सिद्धेश, राइट। तो यहां पे लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्टली करेंगे, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये इधर गया माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। माइनस को मैं इधर ले जाता हूं, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहां देखना, माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। ये तो रिडक्ट प्रॉपर्टी है इसकी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। ये चीज समझ में आ रही है, ये तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता, राइट। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, राइट तो ये ऐसा हो गया। फिर साइन को मैं साइड ले जाता हूं वापस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे ऐसा हो जाएगा, यहां थीटा आ जाएगा, और थीटा ओरिजिनली हम लोग ने ये लेके रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, राइट। हेंस प्रूफ, इज दिस क्लियर?
यस यस अभी एक पाए वाला करते हैं, सेकंड वाला प्रूव करते हैं, ओके। बाकी चारों तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है। ये एक बार ट्राई करना तुम लोग खुद, ठीक है, ये ट्राई करना, ये चारों ट्राई कर सकते हो। बाकी तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। जैसे अगर मैं सेकंड प्रूव करता हूं, लेट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा कैसे लिखोगे, ये तुम लोग ने पढ़ा है। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना, ये चीज पढ़ा है। तो हम लोग मैं माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा लिखता हूं, ओके, क्योंकि ये चीज नहीं होती है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा नहीं होता, इसलिए यहां पे मैं नहीं लिख पा रहा हूं। ऑल राइट, इसलिए यहां पे आएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस उधर गया, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ओके। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा ओरिजिनली हम लोग ने ये लिया है, तो यहां पे लिख देता हूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अभी ये दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं मैं, तो प्रूव हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। हेंस प्रूफ, इज दिस क्लियर? ओके, दो प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी टू और प्रॉपर्टी थ्री। प्रॉपर्टी फोर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे इस पे, ठीक है। ऑलराइट, अभी तुम लोगों का क्या काम है, प्रॉपर्टी टू और प्रॉपर्टी थ्री के बाकी जो हमने प्रूफ नहीं, जो प्रूफ किए वो भी देखो, प्रूफ करो, और जो नहीं किए वो सारे प्रूफ करो। ऑलराइट, इज दिस क्लियर?